हाईवे के इस सफर को तय करते हुए इस समय हम पहुंच आए हैं अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू रांची। ये पूरा आलिशान भवन है और ये ठीक हाईवे के जस्ट बगल में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की रफ्तार में गाड़ियां आती हैं और ऐसे दिन हो या रात हो कभी भी हादसा हो सकता है और लोग गंभीर अवस्था में इसी अस्पताल में आके अपना इलाज कराना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं ऐसे मरीजों के लिए है, आइए चल के देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये अस्पताल का मुख्य गेट है, आइए चल के देखते हैं कि यहाँ पर कौन लोग हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट्स जले हुए हैं, फैन भी चल रहे हैं। देखते हैं कि इमरजेंसी किधर है, यहाँ पर कौन कौन से स्टाफ्स हैं, कोई मिलते हैं या नहीं। नीचे में तो अभी तक हमें कोई नहीं मिले हैं, ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, रात का वक्त है। अब ये मरीज के परिजन हो सकते हैं और इन्हें कुछ लोग जगे हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या भाई आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? अच्छा, तो सब आप लोग परिजन लोग हैं? हाँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ज़मीन पर लेटे हुए हैं? हाँ, ऐसे तो हम लोग के लिए नहीं है, माने पेशेंट के लिए तो अंदर में है हम लोग। अच्छा, देखो ना कि अंदर में कैसा है, थोड़ी देखे हैं। अच्छा, नहीं देखे हैं कैसा है, वहाँ घुसने जाएंगे तब ना देखेंगे। अच्छा, अभी डॉक्टर हैं क्या? पता भी नहीं देखे, कोई डॉक्टर कोई नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर कोई स्टाफ मिलेंगे क्या? स्टाफ को भी नहीं देखे हैं। इनका कहना है कि कोई स्टाफ को नहीं देखे हैं, रात के समय कोई स्टाफ नहीं रहते क्या? जब तक आए हैं लेकिन सब अपना अपना रूम में हैं। ठीक है, हम खुद चेक करते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि कौन कौन है। जब यहाँ पर मरीज हैं तो डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी भी होने चाहिए। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? डिलीवरी के आए लाए हैं। अच्छा, तो अभी तक चेक ये सब हुआ? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर? डॉक्टर भी नहीं। और कोई नर्स? अभी नर्स भी नहीं। तो इतने बड़ा अस्पताल में कोई नहीं है? नहीं, नहीं है हम लोग का पैसा। अच्छा, इसी लोग को पूछ रहे थे। अभी तक आप कितने समय में आप आए थे यहाँ पे? 8 बजे आसपास। 8 बजे आए, कोई आपको देखा अभी तक? हाँ, डॉक्टर इन देखा। डॉक्टर देखे? हाँ। कौन से डॉक्टर देखे हैं? तो ना नहीं जानते हैं, डॉक्टर इन है। अच्छा, और अभी कोई नर्स या डॉक्टर यहाँ पर नहीं है अभी तो? अच्छा, किसी तरह का इमरजेंसी हो गया या कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? कोई बताया गया है? 1 बजे का टाइम दिया। अच्छा, तो 1 बजे डॉक्टर आके देखेंगे। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो गया तो क्या करेंगे? वही तो। कोई जानकारी दिया गया है आपको? कुछ नहीं। ये दवा खाना है, दवा खाना का काउंटर देख लीजिए, कोई स्टाफ नहीं है। सरकार का सख्त निर्देश है कि इस तरह के जो अस्पताल हैं 24 घंटे खुले होना चाहिए। वाकई में ये 24 घंटे खुला है, मरीज भी है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, अंधेरा पूरा छाया हुआ है। अभी घूमते फिरते हमारे साथ एक स्टाफ जो इसी अस्पताल के हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा श्री राजकुमार भगत है। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर एम्बुलेंस चालक हैं। एम्बुलेंस चालक, यानी कि अगर किसी तरह का इमरजेंसी आता है तो आप वहाँ पर एम्बुलेंस ले के जाते हैं? जी। अच्छा, तो ऐसा कई दफ़ा आपके साथ हुआ होगा? तो होते रहता है सब। हाँ, लेकिन ऐसे समय में जब एम्बुलेंस से आप मरीज लेके आते हैं, किस किस तरह के आप ज़्यादातर मरीज लाते हैं?
मरीज तो देखिए अभी एक्सीडेंटल हम लोग नहीं लाते हैं, पहले लाते थे हाँ। लेकिन वो बुंडू अस्पताल ले जाते हैं हाँ। अभी अगर किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट आता है तो सभी बुंडू अस्पताल ले जाते हैं, यहाँ पे नहीं। कौन कौन से डॉक्टर अभी हैं? डॉक्टर तो अभी कौन सा डॉक्टर है तो नहीं बता पा रहे हम, लेकिन NM दीदी लोग हैं ऊपर में। नहीं डॉक्टर की बात, डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर नहीं है अभी, डॉक्टर नहीं है। सरकार का निर्देश है कि 24 घंटे इस तरह के अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्सों के हवाले ये अस्पताल है। एक कहावत है, ऊंची मकान फीकी पकवान, ये यहाँ पर हकीकत में देखने को मिल रहा है। कई फ्लोर का ये अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिस मकसद से इस अस्पताल को बनाया गया है, ये हाईवे पे है और अगर इस अस्पताल को दुरुस्त किया जाए, यहाँ पर कई तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, तो रिम्स जैसे बड़े अस्पताल तक पहुँचने की नौबत मरीजों को नहीं आएगी। लोकल खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।